दोस्तों नमस्कार, मैं हूं समीर। क्वेश्चन वर्सेस आंसर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक बीमारी मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ही जन्म लेती है। ये दोनों शारीरिक विकार का एक मुख्य कारण है मोटापा। जैसे जैसे दुनिया प्रगति कर रहा है, आपके शरीर की दुर्गति हो रहा है। तरक्की की दौर में आपका पेट कब आपसे भी आगे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। आजकल लोग खाने के प्रति नियंत्रण खो चुके हैं। ज़्यादा थकान और काम के कारण ज़्यादातर लोग अधिक मात्रा में खाने लगते हैं। इस ज़्यादा खाने की आदत से मोटापा बढ़ता है। साथ ही जितना खाते हैं उसके मुकाबले व्यायाम कुछ नहीं करते। इसके कारण फैट टूट नहीं पाता और शरीर मोटा होता जाता है। फास्ट फूड इतना फैट वर्धक होता है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट में इसको हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बताया है। फास्ट फूड हमारे पेट को हमसे इतना फास्ट कर देता है कि हम पीछे छूट जाते हैं और पेट आगे निकल आता है। ज़्यादातर ऑफिस में काम करने वाले लोग दिन भर कुर्सी से चिपक कर बैठे रहते हैं। ऐसे में खाने के पोषण भी फैट बन जाते हैं। नियमित व्यायाम ही इसका हल है। ऑफिस में कुर्सी से ना हिलना या छोटे छोटे काम जिसमें ज़रा चला फेरी करना पड़ता है वो दूसरे से कराना आलस्य को बढ़ावा देता है। ऐसे आलस्य से व्यायाम भी भारी लगने लगता है और मोटापा बढ़ता है और साथ में उपहार स्वरूप बीमारियां शरीर में आने लगता है। इंटरनेट जो दुनिया को जोड़ने के लिए बनाया गया था उसके कारण लोग अपना स्वास्थ्य खराब कर दुनिया छोड़ रहे हैं। देर रात तक इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जागना आज नींद पूरी ना होने का सबसे बड़ा कारण है। इसकी वजह से स्वास्थ्य को हानि पहुंच रहे है। ये पेट की बीमारियों और मोटापे का कारण भी है। इसके अलावा थायराइड या जेनेटिक दिक्कत होने से भी मोटापा होते हैं। कुछ लोगों को मोटापा उनके डीएनए में ही जीन्स के रूप में विरासत में मिलता है और कुछ लोगों में ये थायराइड की वजह से होता है। ये हमारे शरीर की एक ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन नाम के एक द्रव्य से होता है। जब इस द्रव्य की मात्रा बढ़ जाता है जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है तब शरीर का मोटापा बढ़ जाता है। मोटापे के कारण अनेक हो सकते हैं। अपना कारण जानने की कोशिश करें, हो सके तो डॉक्टर की सलाह लें, नियमित व्यायाम करें। योग का अभ्यास करने से ना केवल मोटापा खत्म होगा बल्कि आपकी आयु भी बढ़ेगा। स्वस्थ खाना खाएं और याद रखिए स्वस्थ जीवन ही सफल जीवन होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।